भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश में 5 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर दावा किया कि सभी सीटें भाजपा जीत रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के सहारे चुनाव जीतने की बात कही। राठौड़ ने कहा कि उपचुनाव है, चुनाव चुनाव होता है, हम किसी चुनाव को हल्के में नहीं लेते, चुनाव युद्ध की तरह होता है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हमारा कार्यकर्ता क्षेत्र में छाएगा और इस आधार पर हम 5 चुनाव जीत जाएंगे। इस दौरान मीडिया कर्मियों को इंतजार कराने पर राठौड़ ने माफी भी मांगी और कहा कि कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मिलने के कारण थोड़ी देरी हुई। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आपसे चर्चा करने में मुझे बहुत देरी हो गई। एक्चुअली आज जब मैं जयपुर में उतरा तब से लेकर के और कार्यकर्ताओं का अपार स्नेह मुझे मिला और उन सब कार्यकर्ताओं के इस प्रेम के कारण से मैं उन सब के साथ ही आपस में चर्चा में लगा रहा। राठौड़ ने केंद्र सरकार के हालिया बजट की तारीफ की और कहा ये बजट बेमिसाल है, ये एक एक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला बजट है। सड़क, बिजली, पानी या आम आदमी के रोजगार के मामले हो, ये बजट अच्छा है। नियुक्तियां और रोजगार के मामले में सरकार ने अच्छा बजट दिया है जिससे राज्यों को भी ताकत मिली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे लोगों के घर बिजली का बिल नहीं आएगा। पूर्व की सरकार की गलतियों के कारण बिजली की तकलीफ हो रही थी जिसे वर्तमान सरकार ने दूर किया है। राठौड़ ने पेयजल योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया और कहा कि ERCP योजना कांग्रेस सरकार में ठप पड़ी थी जिसे अब मध्य प्रदेश सरकार के साथ MOU करके जल्द ही लागू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं घर घर पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, भाजपा को अजय बनाएंगे और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए इसमें जरूर सफल होंगे। केंद्र सरकार का बजट आया है जो बहुत बेमिसाल बजट है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का बजट है, देश की समृद्धि का बजट है, चाहे सड़कों के मामले में हो, चाहे बिजली के मामले में हो, पानी के मामले में हो और आम आदमी के रोजगार के निमित्त हो, मुद्रा योजना हो, नियुक्तियों का मामला हो, नौकरियों का मामला हो, सब मामलों में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है और उस बजट के कारण से राज्यों को भी बहुत ताकत मिली है और हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो बजट दिया है वो भी बहुत शानदार बजट दिया। सड़कें बनेगी, लगभग 9 लाख करोड़ की सड़कों पर दिया है, यही नहीं घर घर ये जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली घर योजना जो है, घरों पर पैनल लगेंगे, बिजली पैदा करेंगे, तो जब घर के ऊपर पैनल लगेंगे, प्रत्येक घरों पर लोग पैनल लगाएंगे जिसमें 40% सब्सिडी देने की बात कही है, तो मैं सोचता हूँ कि लोगों के घरों पर बिल नहीं आएगा। जब बिल नहीं आएगा तो हम बिजली में सरप्लस हो जाएंगे 2 साल में। आज बिजली में हमको तकलीफ हो रही थी, वो भी तकलीफ पिछली सरकार की गलतियों के कारण से हुई। पिछली सरकार ने जिन उत्पादन केंद्रों पर जो बिजली उत्पादन करते हैं उसमें कोयला डालना चाहिए, उसकी जगह लिग्नाइट डाल दिया जिसके कारण से 3 प्लांट हमारे ठप हो गए, बिजली का उत्पादन कम हुआ। और इसके अलावा केंद्र ये जो पूर्व की कांग्रेस सरकार ने ये भी गलती की कि इस समय बिजली वापस लौटाने का एग्रीमेंट कर दिया, जो पिछले समय में उन्होंने बिजली ली थी और उसको जो पुनर्भुगतान का जो समय निर्धारित किया वो ये पीक पीरियड जो गर्मी का समय इस समय किया। मैं सोचता हूँ कांग्रेस सरकार की अदूरदर्शिता रही, ऐसे समय में यानी आप जानते हो कि संकट के समय में बिजली लौटाना, इधर उत्पादन कम हो जाए तो ये समस्याएं तो आती है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भजन लाल जी को कि उन्होंने इस संकट से भी और निजात पाई, चाहे कुछ भी करना पड़े अधिकारियों के साथ और कड़ाई से और चर्चा करके और उसको कैसे चाक चौबंद व्यवस्था हो सके इसमें उन्होंने योगदान दिया। यही नहीं, देखिए पेयजल की जो कई योजनाएं ठप पड़ी थी आप सबके सामने हैं,
टीआरसीपी 5 साल तक उन्होंने कांग्रेस ने लटका के रखी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले मध्य प्रदेश के साथ में समझौता करके और वो भी पूरा कर दिया। इसके अलावा हर क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, हमारा कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित है। अब हमारे कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं लेकर के घर घर तक संपर्क करने का एक अभियान छुड़वाएंगे उनके माध्यम से, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बनेगी और लगातार हम और कांग्रेस को चारों खाने चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होती रहेगी, हमको तो ये और अपेक्षा है। हमारे उत्साह को देखते, कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए हमको लगता है कि हम निश्चित रूप से हर मोर्चे पर सफल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अन्य नेताओं की नसीहत को लेकर राठौड़ ने कहा कि वरिष्ठ हमें मार्गदर्शन देते हैं, उन्होंने रास्ता बताया कि सबका सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने हमको। देखिए, वरिष्ठ का फायदा यही होता है कि वरिष्ठ लोग जो हमको मार्गदर्शन देते हैं उससे हमको बहुत ताकत मिलती है, और हम उन्होंने जो रास्ता हमको बताया कि इस कठिन डगर को कैसे पार करोगे, निश्चित रूप से हम पार करेंगे। हमें उनका भी सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा और सब मिलजुल करके और सफल होंगे। इस तरह मदन राठौड़ ने अपने पहले बयान में ही भाजपा के प्रति कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह और सहयोग दिखाने की कोशिश की और आगामी उपचुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने का दावा किया। देखिए, उपचुनाव है, यूं तो किसी भी चुनाव को हम आसान नहीं देखते। चुनाव चुनाव होता है, एक युद्ध होता है। ये युद्ध ऐसा होता है कि जिसमें हमको बहुमत प्राप्त करना होता है। तो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं और हमने अब तक जो काम किए हैं, उन योजनाओं को लेके हमारा कार्यकर्ता उन क्षेत्रों में छा जाएगा, इलाके में, और हम 5 चुनाव जीत के आएंगे।